नमस्कार मित्रों आप सभी का टॉपर्स क्लब आई एकेडमी में स्वागत है मित्रों हम लोग हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं जैसे टी जी टी पी जी टी, के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रम रूप से अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले हमने आदिकाल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रम रूप से अध्ययन किया था और हम लोग उसी के क्रम में बढ़ते हुए आ, भक्त काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया और उसी में हम लोग आज निर्गुल काव्य साहित्य के जो इसके पहले हमने निर्गुण काव्य साहित्य के पहले कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था और उसी के क्रम में आज निर्गुण काव्य साहित्य के जो आगे के प्रश्न हैं उसको देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि द्वैता द्वैतवाद दोयत का प्रवर्तन किसने किया इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है कि रामानंद निम्बकाचार्य और आपके जो है माधवाचार्य हैं और रामा, रामानु रामानुजाचार्य हैं इसमें जो आपका मित्रों सही विकल्प है वह है माधवाचार्य माधवाचार्य जो थे इन्होंने द्वैतवाद का जो दर्शन था प्रवर्तन के दर्शन था ये माधवाचार्य ने दिया था और इनका जो संप्रदाय था यह ब्रह्म संप्रदाय था इनका यह ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे और इनका जो दर्शन द्वैतवाद था और जैसे और भी हैं जैसे रामानुजाचार्य हैं इनका जो संप्रदाय था वह स्त्री संप्रदाय था और इनका जो दर्शन था वह विशिष्टा द्वैतवाद था नव रामानुजाचार्य का और जो निम्बकाचार्य है निम्बकाचार्य का एक, एक निम्बार्क संप्रदाय या जो है संप्रदाय कहा जाता है इनका जो इनका जो दर्शन था वह द्वेता द्वैतवाद द्वैता द्वैतवाद था यानी निम्बका निम्बकाचार्य का जो था द्वैता द्वैतवाद रामानुजाचार्य का शुद्धा द्वैतवाद माधवाचार्य का जो आपका द्वैतवाद था और रामानंद का जो है रामवत संप्रदाय से संबंधित है तो ये हमारा जो प्रश्न है इसमें जो पहले चौंतीस का जो सही विकल्प होगा वह गा सही होगा अगला है कि अगला है कि पांच रात्र में रात शब्द का क्या अर्थ है तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया रात्रि ज्ञान आचरण और संसार तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह होगा ज्ञान खा आपका विकल्प सही है यानी पांच रात्र में जो है रात्र शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो ज्ञान है तो पांच रात्र में जो पांच तत्व मिले हुए हैं जैसे परम तत्व है मुक्ति है भुक्ति है योग है तथा विषय और अर्थात जो है ये पांच विध ज्ञान का जो है वचन को पांच रात्र धर्म कहते हैं जो इसमें मिला हुआ इसी को मिला करके इस वचन को जो है पांच रात्र धर्म भी कहा जाता है अगला है कि राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कार्ड किसे माना है इसमें जो विकल्प आपका दिया है हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति ईसाई धर्म का आगमन सहज भक्ति भावना का उदय इनमें से कोई नहीं इसमें जो आपका सही विकल्प है कि आचार्य शुक्ल ने जो है हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति के कारण जो है भक्ति आंदोलन का उदय का प्रमुख कारण मानते हैं और इसमें जो ईसाई धर्म है ये जाज ग्रियसन मानते हैं कि ईसाई धर्म का आगमन के कारण जो है भारत में जो है भक्त आंदोलन का उदय हुआ और गा जो है यह हजार आचार्य हजार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहें कि यह सहज भक्त भावना का उदय के कारण जो है भक्त भक्त आंदोलन का उदय हुआ था तो इसमें छत्तीस का जो का सही विकल्प होगा आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा है तो इसमें का सही होगा कि हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति के कारण जो है भक्ति में भारत में भक्त आंदोलन की का उदय हुआ था अगला है कि आचार्य शुक्ल ने कबीर के ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली आचार्य शुक्ल ने कहा कि कबीर दास ने जो है ज्ञान मार्ग की जो ज्ञान मार्ग ज्ञान की बातें कहते थे वो कहाँ से ले, ले है इसमें जो आपका विकल्प दिया है सिद्धों से हिंदू शास्त्रों से कुरान शरीफ से भागवत पुराण से तो इसमें जो आपका सही विकल्प है खास ही होगा आचार्य शुक्ल ने कहा है कि कबीर ने जो ज्ञान मार्ग की बातें ली हैं वह हिंदू शास्त्रों से ली हैं चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जैसे अगला है कि नामदेव के गुरु का क्या नाम है तो राम नामदेव के गुरु का क्या नाम है तो इसमें जो विकल्प आपको देगा बिसोवा खेचर रामानुज नकमालवार ध्रुववाहन तो इसमें जो आपका सही विकल्प है बिशोवा खेचर बिशुवा खेचर को ये जो है राम नाम नामदेव के जो गुरु थे और अगर हम नामदेव की बात करें यह महाराष्ट्र से संबंधित थे और इनका जो संप्रदाय था वह बरकरी संप्रदाय था और महाराष्ट्र में वैसे दो संप्रदाय थे एक महानुभाव संप्रदाय था एक बरकरी संप्रदाय था जो महानुभाव संप्रदाय थे उसके जो प्रवर्तक थे वो चक्रधन थे और बरकरी संप्रदाय था उसके प्रवर्तक जो पुंडलिक थे उसी से निक, उसी से ये नामदेव भी जो है संबंधित रखते हैं और यह इनकी जो जात थी ये पूछा जाता एग्जाम में कि ये दर्जी जात के थे अगला है कि ज्ञान ज्ञानाश्रय शाखा को संत साहित्य और संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया इसमें जो आपका विकल्प दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल राम कुमार वर्मा मिश्र बंधु इसमें जो आपका सही विकल्प है वह गा सही होगा कि राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रय सागा को संत साहित्य या संत काव्य कहा था और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने निर्गुण निर्गुण भक्ति कहा था औचार्य शुक्ल ने जो है ज्ञानाशरे कहा था अगला है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है अद्वैत वाद, द्वैतवाद विशिष्टा द्वैतवाद और द्वैतवाद। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा और विशिष्टा द्वैतवाद रामानुजाचार्य जो है इनका जो दर्शन दिए थे इनका दर्शन जो है विशिष्टा द्वैतवाद था और ये श्री संप्रदाय से संबंधित थे ये श्री संप्रदाय से संबंधित थे इनका श्री संप्रदाय था और विशिष्टा द्वैतवाद इनका दर्शन था और अद्वैतवाद हम देखते हैं तो अद्वैतवाद जो है यह शंकराचार्य जी का है अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं दर्शन दिए थे और द्वैता द्वैतवाद नहीं द्वैतवाद है द्वैतवाद ये ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक जो है माधवाचार्य जी हैं उनका है और द्वैता द्वैतवाद की बात करते हैं तो ये शनका संप्रदाय या निमकाचार्य निम्बका निम्बार संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे निमकाचार्य उनका है द्वैता द्वैतवाद आगे देखते हैं कि माधवाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की इसमें जो आपका विकल्प दिया है गौड़ी संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय श्री ब्रह्म संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका ब्रह्म संप्रदाय है माधवाचार्य जो है यह ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे और इनका जो दर्शन था वह शुद्धा द्वैत शुद्धा था द्वैतवाद था नहीं सॉरी सॉरी द्वैतवाद था और निम्बार्क संप्रदाय इसके जो प्रवर्तक थे या संप्रदाय भी बोला, बोला जाता है निम्बकाचार्य थे और इनका जो दर्शन था द्वैता द्वैतवाद था ब्रह्म संप्रदाय का द्वैतवाद था और निम्बकाचार्य का द्वैता द्वैतवाद था और श्री संप्रदाय जो रामानुजाचार्य का है इसका जो दर्शन था द्वैतवाद था और गौड़ी संप्रदाय ये थे चैतन्य महाप्रभु उनका उनसे संबंधित है कि उसके प्रवर्तक महा चैतन्य महाप्रभु जी हैं उनका है। अगला है पूछा है माधवाचार्य का पूरा नाम क्या था तो इसमें जो विकल्प आपका दिया है निम्बार्क आनंद तीर्थ विष्णु और कृष्णचंद इसमें जो आपका सही विकल्प है खास होगा आनंद तीर्थ अगला है कि निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है इसमें जो आपका विकल्प दिया है शुद्धा द्वैतवाद द्वैता द्वैतवाद अद्वैतवाद इसमें जो आपका सही विकल्प है द्वैता द्वैतवाद निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे निम्बकाचार्य उनका जो दार्शनिक मत है वह द्वैता द्वैतवाद है और शुद्धा द्वैतवाद जो था ये आपके विष्णु स्वामी जी का है और इनका जो संप्रदाय था वह रुद्र संप्रदाय से संबंधित है के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं इनका है शुद्धाद्वैतवाद और जो आद्वैतवाद है इसके जो प्रवर्तक थे वह शंकराचार्य जी थे अगला है पूछा है कि निम्बार्क का अर्थ है तो इसमें जो आपका विकल्प दिया है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला नीम का रस नीम के पेड़ के नीचे जिसे मोक्ष प्राप्त हुआ हो उपयुक्त में से कोई नहीं तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह कहा होगा कि निम्बार का अर्थ का जो है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला अगला है अलवार संतों की संख्या मानी गई है इसमें जो विकल्प आपका दिया गया बाईस बारह नौ आठ इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका खास ही होगा कि अलवार जो संत थे उनकी संख्या जो है बारह मानी मानी गई है और ये अलवार संतों में ये सभी जो है तमिल कवि तमिल कवि थे और तमिल कवि एवं संत भी थे अगला है कौन सा संत निर्गुण उपासक था इसमें जो विकल्प आपको दिया कबीर रामानंद नामदेव तुलसीदास इसमें जो आपका सही विकल्प है गा से योग नामदे जो है इनका सबसे पहले आता है कि संत सगुण निर्गुण उपासक थे और ये महाराष्ट्र से संबंधित थे अभी हमने इसके पहले आप लोगों को बताया कि ये महाराष्ट्र से संबंधित थे ये दर्जी जात के थे और ये इनका जो संप्रदाय था वह बरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं अगला है कि बल्लभाचार द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहला कहलाता है तो इसमें जो आपका विकल्प दिया है शुद्धा द्वैतवाद द्वैतवाद विशिष्टा द्वैतवाद इसमें जो आपका सही विकल्प है शुद्धा द्वैतवाद बल्लभाचार्य द्वारा जो प्रवर्तित दर्शन कहलाया है वह शुद्धा द्वैतवाद था और यह इनका जो संप्रदाय था वह रुद्र संप्रदाय से संबंधित हैं रुद्र संप्रदाय और द्वैतवाद इसके पहले हमने बताया कि ये ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक माधवाचार्य जी का है और विशिष्टा द्वैतवाद यह श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी का है अगला है पुष्ट मार्ग के संस्थापक हैं इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है निम्बार्क विठ्ठलनाथ माधवाचार्य इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपके बल्लाचार्य हैं जो पुष्टि मार्ग है के संस्थापक हैं वह आपके बल्लाचार्य जी हैं अगला है कि राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है हित हरित हित हरिवंश स्वामी निम्बकाचार्य बल्लभाचार्य विष्णु स्वामी इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है हित हित हरिवंश स्वामी यह बल राधा बल्लभ सम्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे और जो राधा बल्लभ सम्रदाय है ये वृंदावन में मनाया जाता है और, और इसमें जो है राधा को सर्वोपरि स्थान मिला दिया गया है सर्वोपरि बताया गया दिया है दिया गया है और इसमें जो है तत्सुखी भाव के महत्व को प्रदान किया गया है तत् तत्सुखी भाव को महत्व महत्व प्रदान किया गया है अगला है कि गोवर्धन पर्वत पर पंद्रह सौ उन्नीस में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है विट्ठलनाथ बलवाचार्य सूरदास निम्बकाचार्य इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका खास सही होगा कि बलवाचार्य ने गोवर्धन पर्वत पर पंद्रह सौ ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर बनवाया था अगला प्रश्न है कि अलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है दशरथ जातक दिव्य प्रबंधम वैष्णव मताद मताब्द मताब्द भाष अड़ुभाष इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है दिव्य प्रबंधम यानी अलवार भक्तों द्वारा अलवार भक्त यानी ये सभी तमिल कवि और संत थे इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वह दिव्य प्रबंधम है और दिव्य प्रबंधम जो है ये वेदों के तुल्य माना गया है इनके जो ये ग्रंथ है दिव्य प्रबंधम इसको जो है वेदों के तुल्य माना गया है और अणुभाष आपके जो है वल्लभाचार्य जी का है अगला है कि पेरु माल तिरमो तिरमोली तिरमोली किस अलवार संध की रचना है इसमें जो आपको विकल्प दिया गया है अंडाल कुलशेखर भ्रांत योगी काठकोप इसमें जो आपका सही विकल्प है कुलशेखर की रचना है पेरुमाल तिरमोली अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है कि हरि हरिदास उदयदास श्री भट्ट तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा हरिदास हरिदास जो है सखी संप्रदाय और सखी संप्रदाय को एक और संप्रदाय के नाम से जाना जाता है टट्टी संप्रदाय यानी टाटी संप्रदाय से की स्थापना जो है हरिदास ने वृंदावन में की थी और यह निम्बका निम्बार्क संत मत के अंतर्गत आते हैं हरिदास और इन्हीं के नाम पर जो है वहाँ वृंदावन में हरिदासी हरिदास जयंती मनाई जाती है जो कि एग्ज़ाम में एक बार पूछा है पीछे के एग्ज़ाम में आया था हमारे घर से प्रश्न और यह जो है जो गायक तानसेन थे उनके शिष्य थे हरिदास और इनके जो दो ग्रंथ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं जैसे सिद्धांत के पद और सिद्धांत के पद है इसमें जो है रूप और प्रेम का सिद्धांत है और केलीमाला केलीमाला में इसमें जो है एक सौ दस पदों में श्री श्यामा कुंज की लीलाओं का वर्णन किया गया है अगला प्रश्न है कि अचिंत भेदा भेद किस संप्र किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है इसमें आपका विकल्प दिया गया है गौड़ी संप्रदाय सखी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है गौड़ी संप्रदाय तो गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो चैतन्य महाप्रभु प्रभु थे और इनका जो दार्शनिक मत था वह अचिंत्य भेदा भेद था ठीक है और भी देख लेते हैं यह सखी संप्रदाय यह स्वामी हरिदास का है श्री संप्रदाय यह राम मनोजाचार्य जी का है और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी जी का है और आपके उसी में बल्भाचार्य भी आते हैं अगला है संत शब्द का शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है राहुल सक्रत्यान हजारी प्रसाद द्विवेदी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ग्रियशन तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने जो है संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न माना है अगला है कि संतों में मूर्त पूजा और अवतारवाद का विरोध किसने प्रभाव किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है इसमें विकल्प आपका दिया गया है वैष्णव भक्त सात साक्त भक्त अस्मार्थ भक्त इस्लाम के एकेश्वरवाद इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका घा होगा इस्लाम के एकेश्वरवाद से ही संतों में मूर्त पूजा अवतारवाद का विरोध मिलता है अगला है कि मराठी संत नामदेव किस जात से संबंधित संबंध रखते हैं इसमें जो आपका विकल्प दिया है नाई दर्जी लोहार मनिहार इसमें जो आपका विकल्प है दर्जी यह मराठी संत हैं नामदेव यह दर्जी जात से संबंध रखते हैं अगला है किस संत को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है कबीर रामानंद दादू दयाल इनमें से कोई नहीं तो इसमें जो आपका का विकल्प हो, होगा कब ए, सही होगा कबीर कबीर को जो है भारतीय लूथर की उपमा दी गई है अगला प्रश्न है बीजक में किसकी रचना संकलित है इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है धर्मदास रामदास दादू दयाल कबीरदास तो हम कबीरदास की बात करते हैं कबीरदास की जो रचना है वह बीजक नाम से संकलित की गई है और इसमें तीन रचनाएं की आती एक साखी आती एक शबद आती एक रामायणी आती है तो साखी शब्द का जो अर्थ हो, होता शाब्दिक अर्थ होता है वह साक्षी होता है और शब्द का जो शाब्दिक सा, अर्थ होता है वह शब्द होता है शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है शब्द होता है और रामायणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है रामायण होता है और साखी जो है लिखी गई है वो दोहाम लिखी गई है और इसकी जो हाँ दोहाम लिखी गई है और इसकी जो भाषा है वह पंजाबी राजस्थानी खड़ी बोली मिल है और शब्द की जो लिखा गया है ये गे पदों में लिखा गया है इसकी जो भा इसकी भी भाषा जो है ब्रज भाषा ब्रज भाषा पूर्वी में है और जो आपकी रामायणी है ये भी चौपाई दोहम लिखा गया है ये भी जो है भाषा और पूर्वी बोली में लिखी गई है अगला प्रश्न है कि बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था इसमें जो आपका विकल्प दिया है दादू दयाल कमाल धर्मदास और इसमें जो आपका सही विकल्प है जो बीजक का बीजक का संकलन जो संपादन ये गुरु कबीरदास के शिष्य थे धर्मदास तो इन्होंने ही किया था तो इसलिए आपका गा विकल्प सही होगा अगला है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तो इसमें जो आपका विकल्प दिया है रामानुज कबीर सूरदास और जायसी इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका ज्ञानाश्रय जो प्रमुख कवि हैं वह कबीरदास हैं और आप सूरदास जो है कृष्ण भक्त के प्रमुख कवि हैं और जायसी आपके ज्ञान इसी निर्गुण साहित्य के अंतर्गत आता है एक प्रेमाश्रय प्रेमाश्रय के जो प्रवर्तक हैं वो आपके जयसी जी हैं अगला है कि कबीर का सौंदर्य बोध है तो इसमें जो आपका विकल्प शास्त्रीय आदर्शवादी रसवादी और आ पारंपरिक और यथार्थवादी तो इसमें जो आपका सही विकल्प है आ, और यथार्थवादी यह कबीर का सौंदर्य बोध है अगला प्रश्न है कि गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है आदि गुरु आदि गुरु ग्रंथ साहब अष्टयाम सब सबंगी और नदी नदी नदिकांत इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है आदि गुरु ग्रंथ आ, ग्रंथ साहिब में जो है गुरु नानक की वाणियों का संकलन किया गया है और इसमें देखते हैं अष्टयाम अष्टयाम जो है नाबादास की रचना है और अष्टयाम जो है दो भाषाओं में नाबादास की है एक ब्रजभाषा में एक अवधि भाषा में लिखी गई है और जो आपकी सबंगी है यह रज्जब की रचना है और नादिरुप नादिरुप निकांत जो रचना है यह बाबा लाल की रचना है अगला प्रश्न है कि आसी आसी आशदी बार किसके द्वारा रचित है इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है गुरु नानक रामानंद कबीर सूर तो इसमें जो आपका सही विकल्प वक्का की है ये गुरु नानक की रचना रचना है आसा असाधि आस, वार और इनकी और भी रचनाएं हैं एक है जब जी रहीस रह, रही सोहिला और ये सब ही जो है रचनाएँ जो है गुरु ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं अगला प्रश्न है कि रतन खान के रचयिता हैं इसमें जो आपका विकल्प दिया है मालूक मलूकदास नानक रामानंद अर्जुन जेव इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह मलूकदास की रचना है रतन खान अगला है चंडी चरित्र किसने लिखा है तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है गुरु गो गु, गु, गुरु गोविंद सिंह राम कुमार वर्मा और कबीरदास और रामदास इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है गुरु गोविंद सिंह चंडी चरित्र इन्होंने लिखा था अगला प्रश्न है कि योग चिंतामणि के रचयिता हैं इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है रामानंद रामदास गुरु तेज बहादुर श्याम इसमें जो आपका सही विकल्प है वह रामानंद की रचना है योग चिंतामणि अगला प्रश्न है कि संत कबीर पुस्तक के लेखक हैं संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है नामवर सिंह रा, रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा और श्याम चंदर दास इसमें जो आपका सही विकल्प है वह राम कुमार वर्मा है अगला प्रश्न है कि कबीर पुस्तक किसने लिखी है इसमें जो आपका विकल्प दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी नंद वाजपेयी रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें आप लोग दो प्रश्न देख रहे हैं एक अड़सठ एक उनहत्तर तो इसमें एक कभी, संत कबीर अगर पूछता है तो संत अगर लगा हुआ है तो आपके राम कुमार वर्मा जी की है और अगर कबीर है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है खाली कबीर अगर लिखा हुआ है संत नहीं लिखा है तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अगला प्रश्न है कि कौन सा संत रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं आता है तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है सुखानंद नरहानंद दादू दयाल और अनंतानंद तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका दादूदयाल दयाल दादू दयाल जो है ये रामानंद के शिष्य के अंतर्गत नहीं आते हैं अगर इसमें हम इस आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है उनको हम देख लेते हैं रामानंद के जो शिष्य हैं उसमें लिखा गया जिसे अनंतानंद है और आपके सुखानंद आते हैं और सुरसुरानंद आते हैं नरिहर नर्यार नरिहरा नंद आते हैं भावानंद आते हैं पीपा आते हैं कबीरदास हैं सेन हैं और धना है अगला है कि कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है साग सूफी बैष्टो और शैव तो इसमें जो आपका सही विकल्प है गा सही होगा कि कबीर का जो अहिंसावाद सम अहिंसावाद जो था वह वैष्णो संप्रदाय की देन माना गया है अगला है कि लोना किस संत की पत्नी का नाम था तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है कि कबीर सुंदरदास दादू और रहदास तो जो लोना जो लोना जो है संत रहदास की पत्नी का नाम है और कबीरदास की पत्नी का नाम जो है लोई माना जाता है एक और प्रश्न पूछा पूछा गया था पिछली बार या इसके पहले कई को, कोई परीक्षा में पूछा गया था गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था तो उसमें आया था तो उसमें गुरु नानक की अगर पत्नी का नाम पूछता है तो वह आपका सुलक्षणी होगा अगला प्रश्न है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिर ही, ही बनार बनारसी आशा पासा मतलब यानी जाके कुटुंब सब सब ढोर ढोई ढोवत फिर ही अज बनारसी आशा पासा यह पंक्ति किस कब की है इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है रहीमदास रविदास नानक देव कबीर तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह रविदास यानी रविदास की पंक्ति है इसमें आपका सही विकल्प खास ही होगा अगला है कि सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया अमरदास रामचंद्र शुक्ल हरिनारायण शर्मा और अग्रदास इसमें जो आपका सही विकल्प है वह हरिनारायण शर्मा का जो है सुंदर ग्रंथावली का संकलन किए थे अगला है कि गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या क्या है तो इसमें जो आपका विकल्प है पंद्रह सौ बारह सौ छः हज़ार और तीन हज़ार तो इसमें सही विकल्प जो आपका है वो आपका गा, आपका गा है यानी अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या ये इनके द्वारा अर्जुन गुरु अर्जुन के द्वारा लिखी गई है और ये है, गुरु अर्जुन जो है सिख संप्रदाय के पाँचवें गुरु थे और जो गुरुन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें कई कवियों की रचनाओं का संकलन इसमें किया गया जैसे कबीर रह, हैं रह, 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 आपके रविदास हैं और आपके नामदेव हैं इनके रचनाओं का भी जो है इसमें संकलन किया गया सभी मिला करके सभी पदों की संख्या इसमें जो है टोटल छः हज़ार मानी गई है तो मित्रों ये आज हम आज का हमारा आखिरी प्रश्न था इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे मित्रों अगर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन अगर करना है तो हमारे साथ आप आप लोग बने रहें और अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो या मार्गदर्शन हो तो हमको ज़रूर बताएं